तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए द्वितीय वर्ष विषय हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र यानी कि नाट्य एवं निबंध साहित्य के बारे में। इसलिए इसके पिछले के जो वीडियो थी बीए हिंदी की वो थी रीतकालीन के ऊपर यानी कि बीए द्वितीय वर्ष हिंदी फर्स्ट पेपर, और आज की जो वीडियो है वो है बीए द्वितीय वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र। क्योंकि चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो आप लोगों का समाजशास्त्र हो, सबके दो दो पार्ट होते हैं, ठीक है। तो पिछली वीडियो में जब मैंने अपलोड किया था तो उसमें मैंने प्रश्न पत्र की बात के बारे में बात किया था, आप लोगों को मैंने पूरी पीडीएफ पूरे क्वेश्चन दिखाए थे, अच्छे से समझाया था। तो आज की इस वीडियो में हम दूसरे प्रश्न पत्र की बात करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने प्रश्न पत्र की वीडियो नहीं देखा है प्रथम वाली, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड कर दी हैं, ठीक है। तो आपको ये वीडियो ध्यान से देखना है। आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होने वाले ये सारे इंपॉर्टेंट है और पिछले साल पूछे जा चुके हैं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन। तो हो सकता है कि ये जो सारे क्वेश्चन मैं बताऊं ये दोबारा एग्जाम में रिपीट हो जाएं या इसी के आधार पे आए, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा, भले ये जो सारे क्वेश्चन मैं बताऊं ना आए, इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कैसे एग्जाम देना है, क्या प्रोसेस है, ठीक है। ये सारी जानकारी आपको जानना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि 2020 में एग्जाम होने हैं तो आप लोगों को मालूम है कि कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होने ही वाला है, ठीक है। तो बात करते हैं, हम स्टार्टिंग से बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आप लोगों को। पहले आते हैं समय पे। समय आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, ये समय है आप लोगों का 3 घंटे, किसी किसी यूनिवर्सिटी में 3.5 घंटे का भी पेपर होता है, ओके। अब आते हैं पूर्णांक पे। पूर्णांक इसमें 70 का है, किसी किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा भी होता है पूर्णांक 100 का होता है, यानी कि 100 मार्क्स का होता है। क्योंकि इंडिया में आपको मालूम है कितनी यूनिवर्सिटी है, शायद आपको मालूम नहीं होगा कितनी यूनिवर्सिटी है, मुझे मालूम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है। और मैं आपको बात करता हूँ कि ये जो सारे क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपको रिटर्न देखने को मिलेंगे, यानी कि आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा और कॉपी मिलेगी, उसमें आपको रिटर्न यानी लिखना पड़ेगा, ठीक है। और जो फर्स्ट ईयर के होते हैं, चाहे बीए, चाहे बीएससी, बीकॉम, सब में आप लोगों का ऑब्जेक्टिव मिलते हैं जिसमें आपको एक सही होता है उसको टिक करना होता है। लेकिन जो सेकेंड ईयर का एग्जाम होता है उसमें आपको पूरा रिटर्न करना पड़ेगा यानी कि लिखना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। तो अब बात करते हैं प्रश्न पत्र के बारे में। तो जो पहला क्वेश्चन है, वो है निम्नलिखित गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 है और उसके सामने उसका मार्क्स भी है, ठीक है, 24 नंबर का है। तो इसमें क्वेश्चन का है गद्यांश यानी कि आपको जो गद्यांश दिया गया है इसकी सप्रसंग व्याख्या यानी आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या तीनों लिखनी है। ध्यान से देखिएगा वीडियो दोस्तों, मैं पूरी आप लोगों को जितनी भी हो सकता है मैं आप लोगों को सारी जानकारी दे दूंगा, लेकिन आप वीडियो को एंड तक लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको ही हेल्प मिल सके, ठीक है। अगर आप वीडियो एंड तक देख रहे हैं तो आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि आज के इस वीडियो में लास्ट में बताऊंगा जैसे पीडीएफ है इस कहां से डाउनलोड कर सकते हैं सारे क्वेश्चन, तो मैं लास्ट में बता दूंगा। और हाँ, अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, क्योंकि मैं डे बाय डे आप लोगों को शाम को प्रत्येक दिन, ठीक है, एक ना एक वीडियो आप लोगों को अपलोडेड मिलेगी चैनल पर मेरे। तो अब बात करते हैं आपको प्रसंग कैसे लिखना, संदर्भ कैसे लिखना, ये जानकारी पहले मैं दे देता हूँ। जो पहला क्वेश्चन का मतलब ये 24 नंबर का है दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन को कर ले जाते हैं तो 24, अगर अच्छे से भी नहीं कर पाते, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, तो आपको 20 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, 20 मार्क्स एक क्वेश्चन में मिल जाएंगे, तो आई होप आप अच्छे ग्रेड से पास हो जाएंगे अच्छे मार्क्स से। तो का नंबर है यानी कि इसमें 2 हैं, चाहे आप ये करिएगा चाहे ये करिएगा, इसमें देख लो यहाँ तक, ठीक है, अथवा करके दिया गया है, इसमें से कई ऑप्शन है, आपको जो आपको सही लगे वो करना है, ठीक है। तो नंबर 1 है, जब तक किसी की नजर में ब्राह्मण व दूसरा तुर्क, तब तक वह इंसान को इंसान नहीं समझेगा, मैं इंसान को इंसान के नाते गले लगाने के लिए मंदिर के सारे पूजा पाठ और विधि अनुष्ठान छोड़ता हूं और मस्जिद के रोजा नमाज भी छोड़ता हूँ, मैं इंसान को इंसान के रूप में देखना चाहता हूँ। वाह, तो अब इसका संदर्भ आप लोगों को कैसे लिखना है, जैसे इन केस आ जाए, मैं थोड़ा फॉर्मेट बता देता हूँ आप लोगों को। तो संदर्भ आपको इस तरह लिखना है कि प्रस्तुत काव्यांश या गद्यांश जो भी आपका हो, ठीक है,
कभी कभी जब फर्स्ट में आएंगे तो आपको वहाँ गद्यांश लिखना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, यहाँ प्रस्तुत गद्यांश से हमारी पाठ्य पुस्तक जो भी पाठ से लिया गया है, जैसे कि लिया गया है आरोही, ठीक है, ऐसा ये लिया नहीं गया उससे, लेकिन मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, ठीक है। आरोही संकलित कविता या आत्मकथा या आपका जो नाटक है, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये नाटक भी हो सकता है, या फिर जो भी आए नाटक निबंध से, ठीक है, लिया गया है। इसके रचनाकार विख्यात कवि या लेखक श्री तुलसीदास, रहीमदास, हरिवंश राय बच्चन जो भी हो वो लिखना है। फिर से मैं आप रिपीट कर देता हूँ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोही भाग टू संकलित कविता आत्म परिचय या निबंध से लिया गया है। इसके रचनाकार विख्यात कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं, ये संदर्भ हो गया, ठीक है। अब प्रसंग कैसे लिखना है, प्रसंग वो चीज़ होती है जो आपके संदर्भ में लिखना होता है। मैं आपको बता देता हूँ किस लैंग्वेज में लिखना है। जिस अंश को व्याख्या के लिए लिया गया है, ठीक है, जिस अंश को व्याख्या के लिए जिस अंश को व्याख्या के लिए लिया गया है उसमें कौन सा विचार, भाव या घटना का वर्णन है, इसी को प्रसंग कहते हैं, ठीक है। उसमें कौन सा विचार है, कौन सी घटना घटी है, उसी के बारे में आपको प्रसंग में दो लाइन तीन में लिख देना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। उसके बाद जब व्याख्या आती है तो व्याख्या में आप एक एक लाइन का, एक एक कंटेंस का डीपली उसका समझ के फिर व्याख्या लिखिएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसमें से आपको अथवा लग जाएगा तो मतलब एक ही करना है, दोनों मत करिएगा, अदरवाइज नंबर आपको एक ही के मिलेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर एक, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के आधार पर तत्कालीन सामाजिक विसंगतियों पर सार्थक व्यंग किया गया है, विवेचना कीजिए। अथवा करके दूसरा है, नाटक के तत्वों के आधार पर कबीरा खड़ा बाजार में नाटक की सोदाहरण समीक्षा कीजिए। तो अथवा लग गया है, यानी आपको एक नंबर एक करना है जिसमें से आपको 24 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, 3 × 8 = 24। तो इसमें से आपको एक करना चाहे ये करिएगा चाहे ये करिएगा, एक ही करना है, ठीक है। आई होप कबीरा खड़ा बाजार में आप समझ ही गए होंगे कि कबीर जी से रिलेटेड है, तो कबीर जी के नाटक के आधार पर ये सब आपको डीपली लिखना है। अगर आपके मार्केट में सीरीज यानी कि आप लोगों की जो क्वेश्चन बैंक आ गए तो परचेज कर लीजिए, उसमें अच्छे से दिया होगा, रट लीजिए, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ज़्यादा आपको वो करने की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं कि अरे अब याद नहीं हो रहा, मैं तो रेगुलर क्लास ही नहीं की, अब क्या करूं। तो बस आप समझ के जाइएगा बस, और आप ऊपर अच्छे से लिखिए, बीच में थोड़ा आप इधर उधर भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो नंबर जो तीन क्वेश्चन है वो आप लोग देख ही रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर तीन है। तो इस क्वेश्चन का मतलब हिंदी साहित्य के विकास के विभिन्न सोपान बताइए। अथवा करके है, प्रसाद युगीन नाटक की प्रवृत्तियों को समझाते हुए हिंदी नाटक के चरम ऊंचाई प्रदान करने वाले जयशंकर प्रसाद के योगदान पर प्रकाश डालिए। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन हार्ड भी है। सिंपल तो है ही भाई, जयशंकर प्रसाद की आपने जीवनी पर्चे पढ़े होंगे, क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, उनके बारे में डिटेल पढ़े होंगे, ठीक है। बस इतना आपने लिख दिया, ठीक है, इनकी डिटेल के बारे में, तो आपके 12 मार्क्स का है, आप देख ही सकते हैं, ठीक है, 12 नंबर का है, 4-5 नंबर आपके कन्फर्म हो गए। अब बस इनके नाटक पे उनको आपको डीपली में यानी कि प्रकाश डालते हुए उसको एक्सप्लेन 3-4 पेज में लिख दीजिए, ठीक है, बस आपके 12 नंबर पक्के। चाहे आप पहला वाला करिए और चाहे करिए ये, ठीक है, जो आपके समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी निबंध के विकास में 8 रामचंद्र शुक्ल का अहम योगदान है, स्पष्ट कीजिए। अथवा करके समस्या नाटक की परिभाषा एवं विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है आप लोगों का कितने नंबर का, 10 नंबर का है, ठीक है। तो स्पष्ट करना है यानी कि आपको इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 पेज में लिख देना है, ठीक है, 2.5 से 3 पेज तक लिख देना है। तो इसमें रामचंद्र शुक्ल जी के आप लोगों ने पढ़ा है, ये सब 10th 12th वाले क्वेश्चन हैं,
ठीक है, रामचंद्र कोई आप पहली बार नाम नहीं सुन रहे हैं, हजारी प्रसाद जी कोई पहली बार नाम नहीं सुन रहे हैं, ठीक है, राम प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी पहली बार नाम नहीं सुन रहे हैं, ये सब आप पहले से सुन के आ रहे हैं, बस आपको उस पर प्रकाश डालना है, यानी आपको थोड़ा पढ़ना है, समझना है क्वेश्चन बैंक लेकर, बस आपके दिमाग में तुरंत रिमाइंड हो जाएगा। तो ये आप सीरीज लीजिए, उसमें पढ़ लीजिए, गूगल से भी आप सर्च करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप इसी तरह कर सकते हैं, नाटक के बारे में बताया गया, इसको भी आप विवेचना कर सकते हैं। तो दोस्तों शायद अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ है कि नहीं। तो दोस्तों बस इस क्वेश्चन में जो थे चार क्वेश्चन थे, एक आपको 24 नंबर का था, दूसरा भी 24 का था, तीसरा 12 नंबर का और चौथा 10 नंबर का था, ये मिला के टोटल आपका होता है 70 मार्क्स का। तो आई होप आपका जो एग्ज़ाम है अच्छे से जाए, ऑल द बेस्ट अभी से, ठीक है। और ये PDF आप लोगों को कहाँ से मिलेगी मैं आपको बता दूँ, सारे क्वेश्चन वीडियो के डिस्क्रिप्शन मेरी वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाके आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे, तो वहाँ पर आपको एक BA BSc BCOM ऐसे रिलेटेड आपको एक थंबनेल देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पर पूरी लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है वेबसाइट का, एक बार वेबसाइट को ओपन करिएगा, और भी बहुत सारे वहाँ पर आपको PDF मिल जाएंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी की या कोई भी आप मॉडल पेपर चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि हमारी इस वीडियो को BA BSc BCOM के बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे हैं, ठीक है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं, मैं उसका 100% रिप्लाई देता हूँ। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।